हेलो गाइस वेलकम टू चैनल टोचरदेव दिस इज उपासना सिंह और आज हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सो एक्सेप्शन हैंडल के इस टॉपिक में पे हम आने वाले अपने वीडियोस में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक थ्रोस एंड थ्रोस की वर्ड क्रिएट आवर कस्टम एक्सेप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड अदर्स ये सारे ही चीजें हम एक वीडियो में नहीं खत्म कर सकते क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपके लिए शायद बोरिंग भी हो सकती है सो so, इसीलिए मैं इसको दो या तीन वीडियोज में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी सो so, तीनों ही वी वीडियोज को अच्छे से फॉलो करिएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग को अच्छे से समझने के लिए सो so, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन वॉट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इज अनवॉन्टेड अनएक्सपेक्टेड एब नॉर्मल सिचुएशन डेट अकर एट रन टाइम सो जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो एक आपके पास अनवॉन्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड जो कि भी सोची भी नहीं होती है फिर एब या फिर जो सही नहीं है मतलब नॉर्मल नहीं है नॉर्मल हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे और वहाँ पे हो कुछ और गया तो वो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक एरर क्रिएट होता है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं वॉट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है इट प्रोवाइड द वे बाय विच वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन ये हम एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम ताकि कि स्मूदली रन करे जैसा हम चाहते हैं वो वैसा परफॉर्म करे किसी भी तरह का कोई एरर न, हमें ना बताए सो so, ये हम कैसे करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक या तो हमें ट्राय कैच का ब्लॉक यूज करना पड़ता है या, हम throws या throw, फिर हम थ्रोज या थ्रो की वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शन एक्सेप्शन के कितने टाइप्स होते हैं चेक एक्सेप्शन अनचेक जो है हमारा दो टाइप का होता है या तो चेक या तो अनचेक चेक एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमारे कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाते हैं एक्सेप्शन दीज आर द एक्सेप्शन डाटा नॉट चेक एट दाइल्ड टाइम ये वो एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमारे कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते हैं और हमारे पास ये जो ब्लॉक टाइम है इस ब्लॉक और हमारे पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है इससे आपको पता ही चल पा रहा होगा एक्सेप्शन के अंदर हमारे जो चेक एक्सेप्शन होते हैं इसके अंदर हमारे पास तीन एक्सेप्शन होते हैं आईओ एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम को रन नहीं करना पड़ता है कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है और ये दूसरा हमारा होता है अनचेक एक्सेप्शन अर्थोमैटिक एक्सेप्शन नल पॉइंट एक्सेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये तीनों अनचेक एक्सेप्शन के टाइप्स से एंड ये तभी ये हमें तभी मिलता जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी, भी हो जाता है रन भी हो जाता है सो so, नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक आखिर होता क्या है जिससे हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं एक्सेप्शन कैसे आए एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं तो हमने समझ लिया बट एक्सेप्शन आएगा तो उसे तो तो हैंडल कैसे करना है सो so, उसके लिए पहले हम ये ब्लॉक डायग्राम समझते हैं अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन को आया और हमने वहां पे अपने ट्राई कैच का इस्तेमाल सही से किया तो क्या होगा हमारा कोड ट्राई के अंदर आता है वहाँ पे उसे एक्सेप्शन मिलती है एक्सेप्शन मिलते ही वो सीधे कैच में आ जाता है एंड कैच में वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है एंड उसके बाद वो फाइनली पे भी आता है एंड फाइनली के बाद आगे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है बट अगर हमारा एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या होता है ये पहले ट्राई के अंदर आया एक्सेप्शन इसे नहीं मिला तो कैच के पास ही जाएगा ही नहीं कैच कोई टच भी नहीं करेगा एंड फिर ये सीधे फाइनली में आ जाएगा फाइनली में जो उसका काम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर आगे जो फर्दर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा मतलब फाइनली ब्लॉक में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा एक्सेप्शन आए या न आए इसका एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं है सो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम अपना ऐसा कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन आए या ना आए हम तब भी चाहेंगे वो रन करें और एग्जीक्यूट करें और ट्राई के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो कि हमें रन कराना होता है और कैच के अंदर हम वो कोड लिखते हैं कि एक्सेप्शन आए तो उसे कैसे हैंडल करना है हम कैच के अंदर अपना वो एक्सेप्शन डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर हम अपने एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास एक्सेप्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं सो so, प्रैक्टिकली देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें कोई एक्सेप्शन शायद नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सेप्शन प्रोग्राम नहीं लिखा है बट इफ इन केस मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए इन ए बी एंड सी ए में मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी जो कि ऑब्वियसली बी से छोटी है एंड में मैंने एक अलग डिफाइन कर दी जो कि ए से बड़ी है एंड फिर मैंने ट्राई के अंदर अपने जो छोटी वैल्यू उसको बड़ी वैल्यू से डिवीजन करने का डिवीजन uh, करने का इसको इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद अब हम मैपर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है सो so, अब ये जो हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है इस कैलकुलेशन पे मुझे लगा कि अगर एक्सेप्शन आए तो इसको ट्राई करे और अगर एक्सेप्शन आए तो कैच में जाके इसे हैंडल कर ले तो अब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन वैसे तो नहीं आएगा बट अब अगर आता तो क्या होता अगर आता तो यहाँ पे वो सीधे कैच में आके हमारा जो सेक्शन है प्रिंट एक्सट्रैक्ट ट्रेस करने से वो एक्सेप्शन हमारा है प्रिंट कर देता एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पे फाइनली भी यूज कर सकते हैं लाइक like, फाइनली हम अपना यहाँ पे लिख सकते थे तो यहाँ पे मैं वो कोड लिखती जो कि एक्सेप्शन आए या ना आए फिर भी ये रन करेगा ठीक है सो so, अब एक और, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम ट्राई को सिंगल यूज नहीं कर सकते मतलब ट्राई को हम अगर आप कोशिश करें कि सिर्फ हम अपना ट्राई का ब्लॉग लिखते हैं कैच और फाइनली नहीं लिखते हैं तो ये अलाउ नहीं है आप सिर्फ ट्राई नहीं यूज कर सकते अगर आप यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्राई लिखा एंड यहाँ पे इसने एरर बता दिया सिंटैक्स एरर इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट ट्राई स्टेटमेंट एटलीस्ट आपको फाइनली लिखे या फिर कैच लिख के कोई एक तो आपको लिखना ही पड़ेगा ठीक है अगर आप फाइनली नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा जैसे कि ये देखिए कोई एरर नहीं बता रहा है बट अगर आप फाइनली भी नहीं लिखेंगे कैच भी नहीं लिखेंगे तो ये एरर बताएगा तो आप देख सकते हो ट्राई के साथ मैंने सिर्फ फाइनली यूज किया कैच नहीं यूज किया बट इसने कोई एरर नहीं बताया तो एटलीस्ट आपको दोनों में से कोई एक ब्लॉक ट्राई के साथ यूज ही करना पड़ेगा ताकि आप अपने एक्सेप्शन को सही से हैंडल कर सके सो गाइज आई होप आपको ट्राई कैच फाइनली इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग सही से समझ में आ गई होगी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड आप वहां पे भी जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर करेगा, करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू